जय श्री राम, जय हनुमान। राम नाम के जाप में कुछ ऐसा समय आता है जब आपकी आत्मा, आपकी बुद्धि, आपका चित्त सब कुछ काम करना बंद कर देता है। एकदम सब कुछ न्यूटन हो जाता है, ना तो कुछ समझ में आता है, ना कुछ करने का मन करता है, और जो भी करते हैं वो उल्टा ही होता है। तो उस समय राम नाम के जाप में साधक को क्या करना चाहिए या अपनी साधना में उसे उस समय क्या करना चाहिए? ये परिस्थिति विषम परिस्थिति मानी जाती है, और ये परिस्थिति उस साधक के जीवन में आती है जो नाम जाप में या साधना में या फिर किसी अन्य साधन के द्वारा साध्य को प्राप्त होता है। साध्य मतलब अपने इष्ट देव भगवान को प्राप्त होता है, तो उसके जीवन में ये परेशानियां आती हैं, लेकिन ये कुछ समय के लिए होती है। जब आप बहुत ज्यादा नाम जाप करते हैं, बहुत ज्यादा मेहनत करते हैं, अच्छी आपकी साधना होती है और अच्छे लेवल की आपकी साधना हो जाती है, तो साधना के फल स्वरूप आपका मन के जो विकार है वो मिट जाते हैं, लगभग समाप्त हो जाते हैं। लेकिन जाने अनजाने में कोई आपसे ऐसा नामापराध बन जाता है, या तो किसी संत की आलोचना हो जाती है, या फिर कोई भगवत भक्त जो भगवान की आराधना करने वाला है उस भक्त के प्रति आपसे कुछ त्रुटि बन जाती है, तो फिर आपके अंदर एक अज्ञान की धारा प्रकाशित हो जाती है, क्योंकि भगवान के आप भी जन हैं, भगवान की वो भी जन है। लेकिन अगर इस कार्य को कोई पापी दुराचारी व्यक्ति करता है तो उसका दंड देने के लिए स्वयं मेरे प्रभु श्री राम जी अवतरित होते हैं। कितनी बार नहीं ऐसा हुआ है जब प्रहलाद जी को हिरण्यकश्यप द्वारा हर प्रकार से मरवाने की कोशिश की गई थी, तब खम्भे में से नरसिंह भगवान का रूप धारण करके मेरे श्री राम जी प्रकट हुए थे, विभीषण जी को बचाया था, और ऐसे कितने कितने शास्त्रों में प्रमाण भरे पड़े हुए हैं जो विषम परिस्थिति में प्रभु उनको निकालते हैं। लेकिन आप भी भगवान के जन हैं और वो भी भगवान का जन है, और आपके जाने अनजाने में उनसे कोई त्रुटि हो गई है, तो आपके अंदर ये समझ लीजिए एक तरह की बेचैनी हो जाती है, और आपका ज्ञान, आपका बोध, आपकी समझ सब कुछ शून्य हो जाती है। कुछ समझ में नहीं आता है, जाप करने का मन नहीं करता है। पूजा पाठ करोगे तो थोड़े समय बाद पूजा पाठ से उठ जाओगे, लंबे समय तक पूजा पाठ में मन नहीं लगेगा। अगर कोई कार्य करोगे, साधना करोगे या फिर कुछ भी करोगे, वो सफल नहीं होगी, कहीं ना कहीं बीच में अटक जाएगी। ये सब उस अपराध की वजह से होता है, या फिर आपको जो अनुभव हो रहे होते हैं वो होना बंद हो जाता है और आपका हृदय जलने लगता है। आपको लगता है कि कोई ना कोई आपसे ऐसी कोई त्रुटि हुई है, उस त्रुटि की वजह से ये सब हुआ है। ऐसा 2 से 4 दिन तक लगातार आपके साथ होता है। अगर इसका आपने निराकरण नहीं किया है तो फिर ये लंबे समय तक चलता है और आपको पतित भी कर सकता है। पतित का मतलब आपको आपकी साधना से, आपकी ध्यान योग से, आपके कर्म योग से, आपके हर प्रकार योग से भ्रष्ट कर सकता है, आपको एक पतित बना सकता है। तो इस समय आपको क्या करना चाहिए? अगर ऐसी स्थिति आपके अंदर आ रही है, थोड़ी भी बोध शक्ति आपके अंदर बची हुई है, तो जल्दी से जल्दी जाके उन संत की शरण ग्रहण करिए जो कि भगवान के प्यारे भक्त हैं। माया के चक्कर में ना पड़ जाना, बंगला कोटी बड़ा आश्रम देखकर, बड़े शान और शौकत देखकर आप उनके शिष्य बन जाएं, तो ये सबसे बड़ी आपके जीवन में हानि की बात है। संत तो ऐसा होना चाहिए जो कि औरों से अलग हो, उसे रुपए का मोह नहीं होना चाहिए, उसके अंदर अभिमान नहीं होना चाहिए, मेरा अभिमानी हो। जहां पर आपको बैठने से शांति मिले, उनके शब्दों से आपके मोह का नाश हो, ऐसे संत की सानिध्य आपको ग्रहण करनी चाहिए। ऐसे संत इस समय जो हमारी दृष्टि में है, और भी बहुत से दृश्य अदृश्य रूप में संत विद्वान हैं, वृंदावन के रसिक संत श्री श्री संत श्रोमणी श्री प्रेमानंद जी महाराज, उनके आशीर्वचन सुनिए, उनके सत्संग का श्रवण करिए और वहां जाकर दंडवत प्रणाम करिए और अपना मार्गदर्शन आपको वहां से मिल जाएगा। इस समय पर चलो आप उस जगह नहीं आ सकते, तो कोई भी ऐसे रसिक संत है उसकी शरण में जाए और अपनी व्यथा उनको सुनाए कि प्रभु मेरे साथ ऐसा ऐसा होने लग गया है, तो वो आपको
जरूर आपको सदमार्ग की तरफ अग्रसित कर देंगे। आपको कोई ना कोई प्रेरणा, आपके अंदर कोई ना कोई भाव, आपके अंदर कोई ना कोई ऐसा शब्द के माध्यम से वो ज्ञान उत्पन्न कर देंगे कि उस दोष को, उस त्रुटि को वो क्षमा कर देंगे। क्योंकि भगवान के जन भगवान के समान होते हैं और भगवान अपने जनों को अपने से ज्यादा मानते हैं और उनकी अपने से ज्यादा देखरेख करते हैं। तो अगर भगवान के जन ने आपको आशीर्वाद दे दिया या फिर आपके लिए अपने शब्दों से कुछ कह दिया तो उसका तुरंत असर आपको देखने को मिलेगा। जिस तरह से जयंत जी ने माता सीता के पैरों पर चोंच मारी थी, रक्त निकाल दिया था, श्री राम जी ने बिना ही फान का बाण उनको मार दिया था, बिना ही नोक का बाण मार दिया था। उस बाण से तीनों लोकों में त्राही त्राही मच गई थी, किसी ने भी जयंत को नहीं रखा था। लेकिन नारद जी के पास जब गया तो नारद जी ने जयंत को विकल देखा, नारद देखा विकल जयंता, तो उनके अंदर करुणा जागृत हो गई, उनके अंदर प्रेम जागृत हो गया और उन्होंने उनको मार्गदर्शन कर दिया। तो आपके साथ अगर ऐसा होता है तो इस बात को जरूर अपनाएं। हो सकता है कि आपके साथ ऐसा हो जाए, आपकी बुद्धि काम करना बंद कर दे, आपका ज्ञान शून्य हो जाए, आपकी बोध शक्ति समाप्त हो जाए, तो इस मार्ग को जरूर जरूर अपनाएं। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं आपसे बहुत जल्दी ही एक और ऐसी नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय श्री राम, जय जय हनुमान।